नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने रीवा में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में करीब 839 लाख लागत के छात्रावास भवन और ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। लोकार्पित छात्रावास 150 सीटर है और ऑडिटोरियम का निर्माण 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में कराया गया है। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने रीवा में जिला खेल परिसर में निर्माणाधीन स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसी PIU के अधिकारियों से निर्माण संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण तथा सतना जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने आज उचहरा जनपद पंचायत अंतर्गत बांधी मोहार गाँव की नवनिर्मित गौशाला का लोकार्पण किया। इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाला बच्चन, स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने गोविंद बल्लभ पंत जिला चिकित्सालय इंदौर में शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इन आवास गृहों का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन घनघोरिया मेहर के ग्राम पंचायत बेरमा में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री घनघोरिया ने यहां विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर 113 पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। पशुपालन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने जबलपुर संभाग आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में पशुपालन विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा की। श्री यादव ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने बालाघाट के कटनझरी में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण, सामुदायिक भवन, सभा मंच, आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य की दुकान का लोकार्पण किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि राज्य सरकार की नई पेयजल नीति से गर्मी के मौसम में बड़े गांव के साथ छोटे गांव भी नल जल योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नई नीति में छोटे और दूरदराज के गांव में नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस चीफ के साथ। नमस्कार।